پنژاہ گئی اکی اکھ ساڑھ ست چھ ترے اکھ یا اکھ اکھ گئی ژور ست فٹ چھ یہ گئی ترے چلو جی ہو گئے ہم ریڈی اٹھو بھائی صاحب لیٹ اس گوئی رٹ فون ہے چلو اس हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे अच्छे से होंगे तो गाइस आज है 5 सितंबर ओके व्हाटएवर जो भी है आज है टीचर्स डे मुझे सीरियसली नहीं पता हमारे कॉलेज में क्या फंक्शन होगा बट जो हमारे पड़ोस में स्कूल है ना ये भी गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे जोरदार से फंक्शन चल रहा है अभी भी पता नहीं उन्हें चुप क्यों की अभी बट हाँ मैच भी देखा कैसा लगा मैंने व्लॉग नहीं किया बट देखा मैंने अच्छा लगा मतलब लास्ट मोमेंट पे हमने जीता लास्ट मोमेंट पे मतलब पहले लगता था जीतेंगे उसके बाद लगता नहीं जीतेंगे फिर लगता और जीतेंगे अनएक्सपेक्टेड मैच था सारा बट अच्छा रहा मैच चलो जी अभी जाते हैं हम कॉलेज आपसे मिलते हैं डायरेक्ट कॉलेज में एंड देखते हैं फंक्शन क्या चल रहा है उधर वैसे इस्लामिया कॉलेज तो फंक्शन बड़ा ही होगा तो जी दोस्तों कॉलेज भी हम पहुंच गए देख सकते हो आगे आगे चल रहे जिब्राम भाई एंड मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ दौड़ के एंड ये भी चले टिकटॉक मैं भी चल रोड पे भाई अब क्या प्रॉब्लम है तेरा जो अपडेट ही नहीं होता क्या अपडेट नहीं हो रहा है पिछले 10 दिनों से कंटिन्यू आईटी गया है कोता आईटी कोता आईटी वो देखो वहाँ पे बीएससी का नया स्टूडेंट शायद बीएससी था अपने दोस्त के साथ खेलते हुए जिब्रान शायद बीएससी नो स्टूडेंट भाई एम इसके सब्जेक्ट है बीएससी है ओके आज इसने अंडे के बदले लाई है काजू कटली एंड एक कौन सी है इसको वापस देना है पहले था पता मेरे साले इधर उतर के उसको अगर भी उसको नहीं बनवा करो यहाँ पे देखो इस्लामिया कॉलेज के पुराने टीचर्स तुम्हें कल सर ने ऑफर किया था ना सीआर बनने के लिए तुमने क्यों नहीं माना इतनी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे ठीक नहीं है चलो अच्छी बात है वैसे अभी पूरे कॉलेज में चल रहा है एक ही सेलिब्रेशन वो है कि जो कि है हैप्पी टीचर्स डे एंड आप सभी लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे देख रहे हो स्टूडेंट कितने भाई एनी वर्ड टाइटल क्या टीचर्स डे इन इस्लामिया कॉलेज टाइटल तो यही रखेंगे This marks the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan, who was an Indian scholar. He was. यहाँ पे प्रिंसिपल सर फूल बांट रहे हैं सभी टीचर्स में फूल बांट रहे हैं भाई बरसा नहीं रहे चलो बढ़िया बढ़िया कैसा लग रहा है बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त लग रहा है यहाँ से देखो कितने बच्चे हैं कितने बच्चे यहाँ से देख लो ठीक है लेकिन हम बैठे हैं इधर क्या क्या कैसे चर्च हुआ जबरदस्त शाम दबा बंदर के शानी उधर खसवा देखो तेल कहाँ से निकालना पड़ रहा है मेरी बाइक में तेल हो गया खत्म निकल रहा है ब्रो है इसमें ब्रो स्टार्ट कर रहा है स्टार्ट के लिए भाई घर पेट्रोल पंप निकालना चाहिए ना फिर आधी बोतल देना ठीक है आधी बोतल देना चलो स्टार्ट निकलेंगे पेट्रोल पंप तक चल धीरे धीरे चलना फिर चल 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 अभी हम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर या अगर घर तक बराबर निकला पेट्रोल तो डायरेक्ट घर में हाँ जी दोस्तों कॉलेज से भी आ गए हम वापस एंड आज हमने एक भी क्लास नहीं दी है क्योंकि आज था टीचर्स डे एंड आज था फुल डे इवेंट
जस्ट बिकॉज कुछ बच्चों ने इंडिसिप्लिन क्रिएट किया तो उसकी वजह से प्रिंसिपल साहब ने बोला कि इवेंट को रद्द करते हैं एंड बंद किया उन्होंने इवेंट, ठीक है। एंड जब मैं फिर घर निकला, मैं बाइक आराम से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जमुना भाई को बोल रहा हूँ भाई तो स्टार्ट कर, तो वीडियो भी उठा रहा है ब्रो, बैंड द सीन्स उठा उठा, मैं उसको बोल रहा हूँ तो बाइक स्टार्ट कर, वहाँ पे बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। बाद में पता चलता है कि बाइक में पेट्रोल ही नहीं है। फिर शरीर भाई से हेल्प मांगनी पड़ी, उन्होंने अपनी बाइक में से निकाला पेट्रोल एंड थोड़ा दिया हमें, एंड लकीली हम पहुँच गए कमरवारी तक, एंड फिर हमने पेट्रोल लगा उधर, एंड फिर अभी आपके सामने है। एंड जो ही हम घर पहुंचे, पापा ने कॉल किया, बोला कि जो ये वाला मकान है, ये वाला जो आपने, मैंने आपको दिखाया होगा पिछले व्लॉग में, पिछले नहीं उसके पिछले व्लॉग में, तो ये हमने रिसेंटली खरीदा, इसमें काम चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो हो गया ख़त्म। अभी ये आप देख रहे हो, ये भी हमने पिछली बार लगाया था, पापा ने बोला ये लगाने को, ठीक है। एक तो ये रॉड्स भी लगाने हैं, सारा लगाने, मतलब जिसे पर्दे टिकते हैं ना वो सारा लगाना है। एंड मेरा कज़न भी आएगा इधर, वो सामान लेके आएगा, फिर हमको ड्रिल लेके काम पे लग जाना है। ओके भाई, ओ इधर देख ना, इधर देख, नो अंकल के कमरे में ना एक्सटेंशन बोर्ड, नो वो इधर देना, वो बोर्ड जल्दी ना जल्दी यार लगाना है। तो चलो फिर करते हैं काम स्टार्ट। ये देखो ये क्या कर रहे इधर, किया ले भाई जान, बढ़िया। तो पहले करते हैं काम फिनिश, उसके बाद देख सीन क्या रहता है। तो करें फिर स्टार्ट यार। चलो जी, तो यहाँ पे निशान दे के है, इधर हमें करना है छेद, फिर ये वो कहाँ गया, ये लगाना है, ठीक। ये चलो तो जी, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, व्लॉग में मैं अचानक से आ गया, ऐसे टपक गया। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मुझे भेजा सबसे पहले काम के लिए, ये जो अंदर काम कर रहे हैं, एक चीज़ लानी है मुझे बाहर मार्केट से हार्डवेयर वाले के पास, ठीक है। तो चलो जी, कहीं बने वहीं से बोला व्लॉग भी कवर करो इसका, तो पहले मैं जाता हूँ बाहर वो सामान लाने। ओके तो जी, ये था वो सामान जो मुझे लाना था। ये क्यों है, पांच आज गए एक ही आख आख, साढ़े सात छे त्रे आख या आख आख, एक सौ सात फुट छे गए त्रे आगे 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 पौना साढ़े सात, तब से डेढ़ घंटा हो गया एंड अभी तक काम नहीं हो रहा है खत्म। एक्चुअली मस्त गोपुर बंद, चलो जबरदस्त। ये जो ये था ना, इसको आगे लगा के, ये बड़ा था तो ये छेद भी बड़ा कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी हमें, तो हमने सोचा कि हम ये वाला लगाते हैं जो कि बेटर रहेगा। एंड बस अभी इस वाले कमरे को है एंड उस वाले कमरे को है करना, बाकी ये वाला कमरा पूरा डन हो गया। एंड इस वाले कमरे को हमें एक घंटा लगा। रॉड्स भी लाई, देख सकते हो आज के दिन ही सारा काम खत्म करना है। जी दोस्तों, ये वाला साइड हो गया फिनिश, देख सकते हो कोई वहां बचा उस पथ, अभी बस इधर लगाना है एंड दूसरे कमरे में लगाना है खाली, फिर हम टोटली फ्री है। बराबर दोस्तों, शाम के 5 बजे तक काम चला एंड फिर हो गया ख़त्म। एंड उसके बाद मैंने सोचा कुछ बनाते हैं खाने के लिए, थोड़ा मूड हो रहा था खाने का, इसलिए मैंने फिर अनु को भेजा चिकन लाने के लिए। इसके बाद मुर्गा, हाँ जी, अभी अभी मिला, कहीं नहीं था, दुकान सारा बंद है, पर मुर्गा कहीं नहीं, पिछले एक घंटे से मुर्गा ला रहा है, एक घंटा हुआ तो मैं बराबर कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा गया उधर आगे पीछे सब करा, कोई नहीं, चलो बनाते हैं मुर्गे ही नहीं, तहरी बनाते हैं, तहरी कश्मीरी बोलते उसको, ककर तहर बनाते हैं आज, यार पिज्जा बर्गर सब बनाते हैं आज, हम कुछ डिफरेंट बनाते हैं। हाँ चलो, तो यहाँ पे फिलहाल चिकन के छोटे छोटे पीसेस हो रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, फ्राई फ्राई करो, नहीं किए थे, नहीं इसको फ्राई करना जरूरी है। ओके
गो फॉर इट। तो चिकन हो रहा है यहाँ से फ्राई, आप देख सकते हैं। देखो इसको पहले अच्छे से फ्राई होने देते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है मेरे को सीरियसली कुछ नहीं पता, घर वाले खुद कर रहे हैं सारा। एंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने रिसेंट के व्लॉग्स में दिखाया होगा आपको, ये यही होता है 24 घंटे। देखो वो क्या कर रहा है, देख रहे हो, ये रही इनकी माँ। अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये रहा चिकन, हो गया तैयार। एंड ये रहा खाना, खाना प्लस चिकन मिक्स, मतलब चिकन तहरी कुकर तैयार। हाँ जी दोस्तों, हो गया खाना शाना भी अच्छे से, एकदम मज़ा आ गया कसम से, बहुत ही डिलीशियस बना था, मज़ा आ गया वाला। बहुत भी कभी ट्राई कर लेना, मतलब खास दिनों पे तो बनाते हैं घर वाले, कभी आम दिन ही बनाना जैसे मैंने बनाया। और हाँ दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर तक शॉपकीपर के पास कुछ लाने, क्योंकि अभी ये शाम का टाइम, मेरे को शाम को आदत है कुछ खाना, मतलब चाहे वो पेप्सी हो, लेज हो, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई, जिसे मतलब यूजुअली मैं शाम के टाइम पिक्चर्स देखता हूँ तो इसलिए मज़ा आता है खाने में और मूवीज़ देखने में। ठीक है, तो बस आज दिन के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये दो चीज़ें लाई हमने शॉपकीपर से, बस